सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होगी। गाइस, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। मेरे पास ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम रील पर कई भाई ने सेंड करी थी कि भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आओ, ये कैसे बनेगी। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके और गाइस यहाँ से आपको एक फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो गाइस आपको कौन सा लेना है, जिस फ़ोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक फ़ोटो अपना ले लेना है। ठीक है, अभी गाइस आपको क्या करना है, इसकी लेंथ बड़ी करनी है। जैसे अभी आप देखते हो यहाँ पर ये फ़ोटो, मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैक वाला वाटरमार्क आपको डिलीट करोगे, यहाँ पर ये फ़ोटो 3 सेकेंड का है। तो गाइस आपको इसकी लेंथ बड़ी करनी है। कितनी बड़ी करनी, यहाँ पर देखिए साइड में ये टाइम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गाइस आपको इतनी लेंथ कर लेना है इसकी, 6 पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 6 पॉइंट्स इतनी कर लेना आप, 6.70 के आसपास 17। ठीक है, ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पहले गाइस आपको ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आप ये वाली वीडियो को सेव नहीं करोगे तो आपकी वीडियो नहीं बन पाएगी। उसके बाद आपको एक बार बैक करना है, यहाँ पर आपको बड़े वाले प्लस पर क्लिक करना है, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करना है। जो वीडियो गाइस आपने लिए, आपको जो वीडियो आपने सेव करी आपको उसी वीडियो को लेना है। थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। अभी आपका फर्स्ट में फ़ोटो रहेगा, इसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, यहाँ से गाइस आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, जो आप देखते हो ये म्यूज़िक वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। फिर आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस आपको अपने म्यूज़िक पर ये 35 बीट लगा लेनी है। 35 बीट लगा लोगे तो आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। 35 बीट आप किस टाइम पर लगानी है, आपको कैसे लगाओगे बीट, आप कैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाली बीट लगाई है 0.19 पर, नीचे आप फ्लैग देख रहे हो, फ्लैग कर दोगे आपकी बीट लग जाएगी। इसी तरीके से आपको ये 35 बीट लगा लेनी है। ठीक है, अगर गाइस मैं आपको एक एक बीट बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ कि 35 बीट ना एक इमेज में नोट करके वो इमेज में इसी वीडियो में आगे लगा दूंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे, आपको बीट इमेज वीडियो ख़त्म होने से थोड़ा पहले मिल जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके देखकर अपने म्यूज़िक में बीट लगा लेनी है। ठीक है, फिर आपको दो फिंगर से वीडियो के लेयर को बड़ा करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है, सेकंड पर टच करना है, नीचे स्प्लिट करना है, थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी कि गाइस आपने जितनी बीट लगाई हैं आपको हर एक बीट पर टच करके अपनी वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं सभी स्प्लिट कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे यहाँ पर मैं सभी बीट पर स्प्लिट कर चुका हूँ, अभी गाइस आपको इसमें इफेक्ट लगाने हैं। इफेक्ट गाइस आप कौन से लगाओगे? गाइस एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन से इफेक्ट कहाँ पर कैसे लगाएं, ऐसे आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बस आपको वीडियो गाइस ध्यान से देखना है तभी आपके अच्छे समझ में आएगा। इसकी लेयर बड़ी करके यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले फ़ोटो में कुछ नहीं लगाया है, सेकेंड फ़ोटो में गाइस मैंने इफेक्ट लगाया। नीचे आपको इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा वाइट वाला इफेक्ट, इसे लगा के ड्यूरेशन पीरियड 0 करके इसे भी 0 करके राइट कर देना है सेकेंड में। ठीक है, सेकंड में ये लगाना है आपको, थर्ड में ये लगाना है और फोर के शुरू में यही लगाना है आपको, इसे छोटा सा कर देना है शुरू में करके। ठीक है, फोर के अभी गाइस आपका ये 4 नंबर का फ़ोटो आता है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है जूम, लास्ट में जूम पर क्लिक करके जूम इन वाला इफेक्ट लगा लेना है 4 फोटो में। ठीक है, अभी आपका 5 नंबर का फ़ोटो आएगा, इसमें आपको जूम आउट लगा लेना है इसी में से। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, ये आपके छोटे छोटे साइज़ के फ़ोटोज़ आएंगे, आप देख सकते हो ये करीब यहाँ तक है। ठीक है, मुझे पता नहीं ये कितने फ़ोटोज़ हैं मगर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक भी आपके छोटे छोटे फ़ोटो हैं यहाँ पर बीट लगाने के बाद आपको इनमें क्या करना है, मैं आपको एक ही बारी में शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जैसे
ये नॉर्मल फ़ोटो है, इससे जो छोटा वाला फ़ोटो आया मैंने इसे फ़िलिप कर दिया। फ़िलिप आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर फ़िलिप का, ठीक है। फिर एक फ़ोटो छोड़कर एक फ़ोटो फ़िलिप, एक छोड़कर एक फ़िलिप, एक छोड़कर एक फ़िलिप, यानी कि गाइस जितने आपके यहाँ तक ये छोटे छोटे साइज़ के फ़ोटो रहेंगे आपको सब में यही करना है, एक फ़िलिप एक छोड़कर, ठीक है। फिर आपका बड़ा फ़ोटो आता है, आपको शुरू में इफेक्ट्स में आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा जिटर डाउन वाला इफेक्ट, आपको ये वाला इफेक्ट लगा लेना है और राइट कर देना है, ठीक है। फिर आपका अगला फ़ोटो आता है, इसमें भी आपको ये वाला लगा लेना है, स्लाइड राइट वाला, साइकिल वाला, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, आपको पहले आपको ये वाली वीडियो को सेव करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें आपको लास्ट में इफेक्ट कौन सा और कैसे लगाना है। पहले आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा के ये वाली वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस जैसे यहाँ पर वीडियो सेव हो चुकी है, अभी आपको बाहर को आ जाना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद गाइस आपको ये वाली वीडियो में आना है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आ सकते हो। फिर गाइस यहाँ पर के साइड में फ़िल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर आप ये ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हो, आपके में इस तरीके से वाइट भी आ सकता है, तो आपको इस पर टिक करके इसे सेव कर लेना है। फिर आपको एक बार बैक करना है, यहाँ पर आपको नीचे साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, यहाँ पर इसमें जाके नीचे ये साउंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें नहीं आ रहा तो मैं इसमें चले जाता हूँ ये वाली वीडियो में, ठीक है। मैं आपको इसी वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप पहले इसमें जाके इफेक्ट सेव कर लेना, इसे बड़ी करके, फिर इसे छोटी करके, नीचे साउंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद, यूज़ ऑडियो में जाने के बाद, और यहाँ से आपको नीचे मिल जाएगा अपलोड वाला ऑप्शन। जो वीडियो आपने VN से सेव करी होगी आपको उसी वीडियो को लेना है। ऊपर आपको ऐड पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करके, ठीक है। ऊपर का इस साइड में कॉर्नर पर फ़िल्टर वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको फ़िल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से, और यहाँ से गाइस आपको ये फ़र्स्ट में जो फ़िल्टर सेव करोगा आपने फ़र्स्ट में आ जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके फ़िल्टर लगा लेना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना, आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।